हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखो, हमारी जो अफ़गानी सलवार है ये बिल्कुल ऐसी लग रही है बनके। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो अभी कपड़े को मैंने इस तरह से रखा है लेंथ वाइज एक फोल्ड करके। ये लंबाई है कपड़े की, ये यहाँ से फोल्डेड साइड है देखो, और ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ हो गई। अब हमें विड्थ वाइज एक फोल्ड कर लेना है इस तरह से, देखिए। और ये आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ वाइज फोल्ड कर सकते हैं जितनी भी आपको इस कपड़े की विड्थ चाहिए। अगर आपको पूरा रखना है तो आप पूरा भी रख सकते हैं, और अगर आपको कम विड्थ चाहिए तो आप कम भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से हाफ इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। कपड़ा थोड़ा सा तिरछा था और इसे हमने कट भी कर लिया, देखिए। अब हमारा कपड़ा जो है वो चार फोल्ड में है यहाँ पर, और यहाँ से फोल्डेड साइड है इसमें। अब सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से नीचे को 2 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे हम पूरे में इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पूरे में स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लिया है, और ये हमारा बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच लिया है। तो ये हमारा पूरा पूरा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, देखिए। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो अभी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसी लाइन से नीचे को हम अपनी अफगानी की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में अफगानी की जो फुल लेंथ है वो है 37 इंच, यानी कि 37 इंच। और 37 इंच में हम 1 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच का हम नीचे से पट्टी अलग से लगाने वाले हैं। तो 1 इंच हम माइनस करेंगे तो आएगा 36 इंच, और 36 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे से पट्टी को ज्वाइन करने में जाएगा, तो आएगा 36.5 इंच। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे को 36.5 इंच पे इस तरह से पूरे में निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसी लाइन में इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम साइड रख लेंगे, और अब हमें यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसे इलास्टिक वाला बना रही हूँ, तो कमर की जगह हम हिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है, आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए उसमें 3 से 4 इंच लूजिंग ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक लगाना है। राउंड हिप है 38 इंच, और 38 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच। और 9.5 में मैं 4 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो आएगा यहाँ पे 13.5 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे पूरा पूरा भी, जितनी आपकी कपड़े की चौड़ाई आ रही है इसे आप पूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक ही लगानी है, तो इसे हम पूरा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हिप के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे भी 13.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन से, यानी कि जो ऊपर वाला निशान है, इस निशान से नीचे को हमें क्रॉच लेंथ के लिए निशान लगाना है, यानी कि आसन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं आसन के लिए 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 12 इंच तक ही हमें यहाँ पे ऊपर से नीचे को एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस पॉइंट से आगे को क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 इंच इसे ले रही हूँ, और 3 इंच तक यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे क्रॉच कर्व का हमें शेप देना है। तो इस तरह से इसमें हम यहाँ पे क्रॉच कर्व का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसके बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे अफगानी सलवार के बॉटम पार्ट में हमें प्लीट्स देनी है। तो यहाँ पे जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड बॉटम आ रहा है, आप उतना ही यहाँ पे पूरा पूरा ले लें, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें पूरे में प्लीट्स डालनी है। तो मेरे मेज़रमेंट में बॉटम राउंड है 13 इंच, तो यहाँ पर हम पूरा पूरा 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे आप इसे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना हो या कम लेना हो, तो जितनी आपको प्लीट्स डालनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसे हमें इस तरह से साइड से मिला लेना है। तो अभी देखो, यहाँ पे मेरे अफगानी सलवार की जो मार्किंग है वो पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। इसे हमें इसी मार्किंग में कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से इसे हमने पूरा पूरा ये कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बचे हुए कपड़े को साइड में रख लेंगे,
और यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट्स, यानी कि सिर्फ दो पार्ट्स को इस तरह से ऊपर के जो दो पार्ट्स हैं ओपन करते हुए इसे हमें इस तरह से ओपन करना है। और क्रॉच वाले एरिया में यहाँ पे ये देखिए आसन को हमें दोनों साइड से इसमें इसी तरह से रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और सेम इसी तरह से फिर दूसरी साइड वाला जो क्रॉच है इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है देखिए दोनों साइड से आसन में, ये देख सकते हो आप। और अब हमें इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। तो फ्रंट और बैक का जो क्रॉच है ये दोनों आमने सामने इस तरह से आने चाहिए। अब हमने यहाँ पे ऊपर से जो बेल्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगाया है इसे मैं दूसरी साइड में भी यानी कि इस साइड भी 2 इंच पे पूरे पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सेम इसी तरह से इसके दूसरी साइड भी यानी कि बैक पार्ट में भी हम इसमें निशान लगा लेंगे 2 इंच पे। अब हमें इसके बॉटम पार्ट को रेडी करना है, तो पहले मैं एक लेग को रेडी कर लूँगी सेम उसी तरह से, फिर हम दूसरी साइड वाला लेग भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए रॉन्ग साइड है कपड़े की और इसे हमें इस तरह से ओपन करना है। ये सीधी साइड है कपड़े की और यहाँ पे इस तरह से ये राइट साइड है कपड़े की, ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की सीधी साइड से ही हमें प्लीट्स डालनी है, साइड से हम 1/2 इंच या फिर 1 इंच लगभग छोड़ते हुए इस तरह से इसमें पूरे में प्लीट्स देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से हमें साइड से 1/2 इंच लगभग छोड़ते हुए, यहाँ पे मैं 1 इंच लगभग छोड़ रही हूँ, और इस तरह से छोड़ते हुए हमें इसमें पूरे में इस तरह से प्लीट्स डालनी है और इसे ऑल पिन से सिक्योर भी करते रहना है। तो इसी तरह से हम पूरे में प्लीट्स डाल देंगे और ये प्लीट्स हमारे जितना भी हमें बॉटम पार्ट अपना चाहिए उसका 1/2 इंच आना चाहिए। जैसे मेरे मेज़रमेंट में बॉटम पार्ट है 13 इंच और 13 का हम आधा करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे ये हमारा जो सिर्फ प्लीट है ये 6.5 इंच तक आनी चाहिए और 1/2 इंच जो साइड से एक्स्ट्रा है वो हमारा एक्स्ट्रा ही रहेगा क्योंकि हमें उसे सिलाई रखनी है उसमें। तो ये देखो मैं इसे पूरा इस तरह से मेज़र करूँगी, तो यहाँ पे ये हमारा आ रहा है 14 इंच क्योंकि 1/2 इंच हमारा साइड से सिलाई में चले जाएगा, दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो हमारा 13 इंच आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे हमें प्लीट्स में इस तरह से ऑल पिन को निकालते हुए एक सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें नीचे से जो पट्टी लगानी है वो हम लगाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ये पीस लिया हुआ है, इसकी लेंथ मैंने 3 इंच ली है और विड्थ में जितना आपका बॉटम पार्ट आ रहा है आप ये उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें और जो लास्ट में एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम कट कर लेंगे साइड से। तो 1 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है और कपड़े में हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए एक साइड से इसे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इसमें हम पूरे में आयन करके इसे पेस्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अभी देखो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और साइड से हमारा ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने देखिए। और अब हमें इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट करना है, तो ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो हमें मेन फैब्रिक में इसे राइट साइड को यानी कि राइट साइड हमें नीचे साइड रहेगी और ये अभी कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर हमें इस पट्टी को इस तरह से रखना है, ये राइट साइड हो गई ये रॉन्ग साइड हो गई। और फ्यूजिंग वाला जो साइड है ये नीचे की साइड रहेगा, सिर्फ जहाँ पे हमने फ्यूजिंग नहीं लगाई है वो पार्ट को हमें यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसे इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें हम पहले एक सिलाई लगा लेते हैं और साइड से जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा बचेगी इसे हम लास्ट में कट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का गैप लेते हुए इसमें इस तरह से ये सिलाई लगा दी है और अब सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम राइट साइड को टर्न करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब रॉन्ग साइड से भी हमारी अच्छी फिनिशिंग आ गई है और अब हमें पट्टी को राइट साइड को टर्न करना है। अब देखिए ये मेन फैब्रिक की राइट साइड है और अब हमें पट्टी को इस तरह से टर्न करना है। तो यहाँ पे फ्यूजिंग वाली साइड से जो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसमें इस तरह से सिलाई रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसमें एक लेस भी लगाने वाली हूँ तो उसके बाद ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए जो फ्यूजिंग वाली साइड है यहाँ पे हमने साइड से नीचे से 1/2 इंच लगभग छोड़ा हुआ है, इसे भी हम एक फोल्ड करेंगे फ्यूजिंग वाली साइड को और इसमें पूरे में आयन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब आयन करने के बाद ये हमारा अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब हमें इसको इस तरह से एक फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे हमें लेस भी लगानी है। तो यहाँ पे हम जब सिलाई लगाएंगे तो उसी के साथ साथ इस लेस को रखते हुए, ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको मैं आपको मशीन में लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इस लेस को इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे सिलाई रखते रहनी है और लेस को भी अच्छे से
इसमें एडजस्ट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब सेम इसी तरह से हमें अपने दूसरे लेग का बॉटम पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे पूरा रेडी हो गया है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी साइड से बाहर आ रही है इसे हम यहाँ पे कट करके अलग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और दूसरी साइड से भी इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। और अब सेम इसी तरह से हमारा दूसरा वाला जो लेग है उसका बॉटम पार्ट भी हमने यहाँ पे ये देखिए रेडी कर दिया है। तो ये हमारे दोनों रेडी हो गए हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर मैंने 2 इंच पे पूरे पे निशान लगा लिया है बेल्ट के लिए। पहले हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इसमें आयन करेंगे, उसके बाद जो 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक एक फोल्ड और करके इसमें आयन कर लेंगे। सेम इसी तरह से पूरे में देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें हमने पूरे में आयन कर ली है। अब हमें यहाँ पे साइड से सिलाई लगा लेनी है और थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे, यहाँ से हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो देखिए मैंने पूरे में यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई लगा दी है, और यहाँ पे ये इतना पार्ट हमने छोड़ा हुआ है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ से हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है, यहाँ पर मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगा दी है, और सेफ्टी पिन के हेल्प से इसे हम इस तरह से पूरी बेल्ट में इंसर्ट करते हुए इस तरह से अंदर डाल लेंगे। और अभी देखिए यहाँ पे ये हमने इलास्टिक को पूरे में इंसर्ट अच्छे से कर दिया है। अब इलास्टिक को इस तरह से रखते हुए इन दोनों इलास्टिक को हमें यहाँ पे जॉइन करना है, और बेल्ट के अंदर इस तरह से डालते हुए यहाँ पे जो ओपन वाला पार्ट है इसे हम बंद कर देंगे। तो अभी देखो यहाँ पर मैं इलास्टिक को जॉइन कर रही हूँ, इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इलास्टिक को जॉइन करना है, और अब हम इसे अपने बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर लेंगे जहाँ से हमारा बेल्ट में ओपन वाली पार्ट था, ये देख सकते हैं आप। तो अभी इसे हमें यहाँ पे सिलाई लगा के बंद कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें पूरी बेल्ट को ये देखिए इस तरह से खींचते हुए इसके बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से खींचते हुए हमें यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगा लेनी है ताकि इलास्टिक और बेल्ट अच्छे से अटैच हो जाए और इलास्टिक बेल्ट के अंदर रोल ना हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से खींचते हुए इसमें एक सिलाई लगा देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई इसमें पूरे में लगा दी है, देखिए। तो अभी देखो यहाँ पे बेल्ट में मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब हमें इसके क्रॉच वाले एरिया में यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दोनों के इनर लेग्स में यहाँ पे क्रॉच को मिलाते हुए यहाँ पे हम इस तरह से मिलाएंगे और इसमें साइड से सिलाई रख लेंगे। सेम दूसरी साइड भी इसी तरह से मिलाते हुए हमें पूरे में सिलाई रख लेनी है। तो चलिए इसमें भी हम एक सिलाई रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉच से क्रॉच को मिलाते हुए इसके इनर लेग्स हैं जो यहाँ पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, और यहाँ पे हमारी जो अफगानी सलवार है ये बनके बिल्कुल रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।